हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है आपका आज बात कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ का चैप्टर ट्वेंटी लोकोमोशन एंड मूवमेंट उस चैप्टर में पेज नंबर थ्री जीरो फोर एंड थ्री ज़ीरो फाइव पे कंट्रेक्टाइल प्रोटीन मसल का कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन मायोसिन उसके बारे में बात कर रहे हैं मसल फाइबर सिंसाइटियम होता है दैट इज उसके सार्कोप्लाज्म यानी उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं अब कह रहा है कि हर एक मसल फाइबर में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जिनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है उसके साइटोप्लाज्म में दैट आर नॉन एज़ माओफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल हर एक माओफाइब्रिल या माओफिलामेंट में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होता है दैट इज़ स्ट्रीएशंस होते हैं लाइट बैंड थिन है उसे कहते हैं एक्टिन एक्टिन थिन या एक्टिन को आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं जबकि थिक बैंड मायोसिन मायोसिन को एन आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं तो एक्टिन थिन, मायोसिन थिक अब ये जो थिन बैंड है एक्टिन, उसमें डार्क लाइन होता है दैट इज़ नॉन एज जेड लाइन और टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे सार्कोमियर कहते हैं सार्कोमियर इज़ यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। फिर उसके बाद डार्क बैंड में लाइट लाइन होता है दैट इज़ नॉन एज एम लाइन रेस्टिंग स्टेट में लाइट बैंड डार्क बैंड को कंप्लीट कवर नहीं करता है थोड़ा सा गैप होता है दैट इज़ नॉन एज एच जोन। मसल कंट्रैक्शन के टाइम में जो जेड लाइन से एक्टिन अटैच है दोनों तरफ वो ग्रेजुअली क्लोजर आते हैं नज़दीक आते हैं और धीरे धीरे एच जोन वेनिस हो जाता है यानी कि ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन जेड लाइन क्लोजर आएगा एक्टिन यानी आइसोट्रॉपिक बैंड का लेंथ कम होगा नज़दीक आएंगे लेकिन जो एन एनआईसोट्रॉपिक है यानी मायोसिन है वो अपना लेंथ रिटेन करता है तो ये मसल कंट्रेक्सन के टाइम में होता है कुछ और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर आपके साथ शेयर करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स टू ऑल